हेलो, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते बेटा। हाँ मैम, गुड जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग बेटा। मोहित आप कल नहीं आए गुड थे? वेरी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सौम्या आप भी नहीं आए थे ना कल? नहीं मैम। हाँ, जैसे क्लास से एबसेंट होते ना तो एक बार मुझे एडवांस में बता दो, सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड कि क्लास में नहीं मैम कुछ काम है। ओके, सभी लोग आ गए हैं। अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। अनुष्का, पाखी, ओके। परिधि, मेघा, महिमा, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। अच्छा, किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है? कोई बुक्स पढ़ता है अदर देन सब्जेक्ट बुक? आयुषा, अच्छा क्या पढ़ रहे हो आजकल आयुषा? मैम मैं रस्किन बॉन्ड की किताब पढ़ रही हूँ। ओ वंडरफुल वंडरफुल। पूर्वी आप क्या पढ़ रहे हो? मैम मैं ऑलिवर ट्विस्ट की एक नॉवेल पढ़ रही हूँ। ओके। इसके अलावा किसी और को शौक है पढ़ने का? यस मेघा, आप क्या पढ़ रहे हो? कौन हाँ मैं इंडियन हिस्ट्री पर बुक्स पढ़ रही हूँ, सी, फिर से थोड़ा लाउडली बोलना। इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री। वाओ वंडरफुल। यस पाखी, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं एक बुक है ट्वाइलाइट, वो पढ़ रही हूँ। ओके, ट्वाइलाइट पढ़ रहे हो। वंडरफुल, वेरी गुड। सी देखो, सब्जेक्ट बुक्स आर वेरी गुड, ये सब्जेक्ट का आपको थोड़ा नॉलेज मिलता है, बट डू ट्राई टू गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट एंड रीड। उससे आपको बहुत कुछ अलग, बुक्स आपको, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। बचपन से वी हैव लर्न दैट, ठीक है? सब हमको यही बताते हैं, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। वो कभी आपको धोखा नहीं देती है, कुछ ना कुछ तो दे के ही जाती है वो। अब ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिकली कुछ नॉलेज के लिए, एनीथिंग जो आपको इंटरेस्ट करता है। जैसे राइट नाउ देखो, आई एम रीडिंग दिस अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा। सो एनीथिंग कुड बी एनीथिंग। और ऐसा नहीं कि रोज इतना पढ़ना है, 2 पेज पढ़ो रोज, 3 पेज, 5 पेज, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू शेप अप योर पर्सनैलिटी। आपको बहुत हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी शेप अप करने में बुक्स, ठीक है? तो चलिए मेघा, वीडियो ऑन कर लो अपनी बेटा, और धीरे से सभी लोग, सब लोग क्रॉस लेग करके बैठे हैं। अच्छा, पहले एक बार ना, जब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन जानता है? ओ वेरी गुड, वेरी गुड पाखी। कौन कौन जानता है आप एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लाटो, इनके बारे में किसने सुना है? इप्सिता, रखिया। अच्छा, ये लोग हैं वेस्टर्न फिलोसोफर। मेघा, ओके गुड। परिधि, वेरी गुड। सो ये लोग कौन है? ये लोग हैं वेस्टर्न फिलोसोफर। वेरी गुड इवनिंग कविता, काजल, सॉरी काजल। तो जैसे कि इनके बारे में आपको पता है, तो आपने कभी आदि शंकराचार्य का नाम सुना है? आदि शंकराचार्य, कपिल, रामानुजाचार्य। ओ मेघा ने सुना है। ओके, और किसी ने सुना है? इप्सिता ने सुना है, अक्षित ने सुना है, एंड हाँ इप्सिता। और किसी ने? नहीं।
ओके ये इंडियन फिलोसोफर हैं, जैसे कि ये वेस्टर्न फिलोसोफर है, दे हैव टॉक्ड अबाउट फिलोसफीज, वैसे ही हमारे इंडियन फिलोसोफर्स भी होते हैं जो इंडियन फिलोसफीज के बारे में बात करते हैं. तो ऐसे ही जो महर्षि पतंजलि, जो मैंने छोटा सा ऑडियो नोट कल भेजा था महर्षि पतंजलि के बारे में, तो ही इज ऑल्सो अ फिलोसोफर. उन्होंने एक योग की फिलॉसफी दी थी, योग की फिलॉसफी में जिसमें कुछ प्रैक्टिसेस तो हैं, बट इट हैज एक्सप्लेन, इट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, द थिंग्स अराउंड. ठीक है, तो ये सब कैसे पता चलता है? बाय जस्ट स्टडिंग द बुक्स. तो चलिए, सभी क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कोमलता से आंखें बंद. हाँ, ज्ञान मुद्रा होगी, धीरे से नीचे रख लेंगे और आंखों को बंद करते हुए कोमलता से आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी. सांस भरते हैं पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है. सबको पता चल गया अभी तक कि सांस भरते हैं तो पेट क्यों फूलता है और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर क्यों जाता है. यही एक सही टेक्निक है. धीरे से आंखें बंद कर लेंगे, बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या. सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. यही एक सही टेक्निक है ब्रीदिंग की. आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक भी ठीक करेंगे, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों की भी. यही एक टेक्निक है सांस लेने की और सांस छोड़ने की. सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. अपने माइंड को धीरे धीरे नॉर्मलाइज करते हुए, बैलेंस करते हुए. सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. बिल्कुल सॉफ्ट सटल ब्रीथ, बिल्कुल सॉफ्ट सटल डीप ब्रीथ. बिल्कुल काम होते हुए जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतना अच्छा, जितनी लंबी गहरी सांस लेते हैं उतना अच्छा. ब्रीथ डायरेक्टली आपके दिमाग को कंट्रोल करती है. आंख बंद करके सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. जैसे कि हमने शुरू के दिनों में बात की थी, विजुअलाइजेशन, अपना विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे. आप अपने आप को क्या बनते देखना चाहते हैं? बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का चित्रण करेंगे, अपने इमेज में ड्रॉ करेंगे कि आप उस जगह पहुंचकर कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या क्या करते हैं.
सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने हाथ की राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे ही रहने देंगे और अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरी, थ्री, और दोनों नाकों को बंद, थ्री टू वन, अंगूठा हटाया और सांस छोड़ते हुए। फिर राइट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद, थ्री टू वन, और लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए। अभी लेफ्ट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद, थ्री टू वन, राइट से सांस छोड़ते हुए। अब सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंखों से प्रैक्टिस करते हुए चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। आपकी विजुलाइजेशन जितनी स्ट्रॉन्ग उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप उस पोजीशन पे रहेंगे। मिस इंडिया के लिए 100,000s में लेडीज कॉन्टेस्ट करती हैं, पर जीतता कौन है? सिर्फ एक, जिसकी विजुलाइजेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कितने बच्चे बैठते हैं? लाखों बच्चे बैठते हैं, बट कितना क्लियर कर पाते हैं? कितने बच्चे क्लियर कर पाते हैं? जिनकी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग। तो विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने का क्या मतलब है? कि सिर्फ सपने देखें और काम ना करें? नहीं, सपने देखें, विजुअलाइजेशन करें और साथ ही साथ उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए उसके लिए भी काम करते रहें। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। कोशिश कीजिए अच्छे बड़े लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज देखें, बायोग्राफीज देखें। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। कोशिश करें लंबी सांस लें, लंबी सांस। मन ही मन काउंट करने की कोशिश करें। सांस भरी, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, नाक बंद, थ्री, टू, वन। दूसरी नॉस्ट्रिल खोली, सांस छोड़ते हुए, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। सांस भरी, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। नाक बंद की, थ्री, टू,
One, opposite nostril से सांस छोड़ी. Six, five, four, three, two, one, सांस भरी. रेशियो मेंटेन करेंगे और कोशिश कीजिए नॉर्मल टाइम में भी सांस भरने में जितना टाइम लगाते हैं सांस छोड़ने में उससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए. ऑक्सीजन की जरूरत है शरीर में, पर उससे ज्यादा जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बॉडी से, वो टॉक्सिन्स बॉडी से निकालना, वो एसिडिक नेचर ब्लड का नॉर्मलाइज करना. सांस भरी, पेट फूला. सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. सांस भरी, पेट फुलाया. सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. धीरे से राइट से सांस भरी और लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए प्रैक्टिस को टर्मिनेट करेंगे. लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए टर्मिनेट किया प्रैक्टिस को. धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आए, बंद आंखों के साथ में ही कमर की ट्विस्टिंग करेंगे. बंद आंखों के साथ अपनी नेक की ट्विस्टिंग, कमर की ट्विस्टिंग, बंद आंखों के साथ में. और धीरे से अपने राइट हैंड का थम्स अप किया और राइट अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर लगा दिया. सांस भरी, पेट फूला. सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. लेफ्ट से ही सांस भरेंगे, लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे. जब प्रियंका चोपड़ा का फाइनल मिस वर्ल्ड का पैजेंट शो हो रहा था, उनसे सवाल किया गया, ऐसी कोई जीती जाती हस्ती बताओ जो जिसने आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला हो. उन्होंने जवाब दिया, मदर टेरेसा. कॉन्टेस्ट 2000 में हुआ था और मदर टेरेसा की डेथ 1997 में. गलत जवाब होते हुए भी वो मिस वर्ल्ड बनी. हर चीज में लॉजिक नहीं होता, सभी चीज लॉजिक से नहीं चलती है. सो कीप योर विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग. अगर कई सारी लेडीज पैजेंट शो में कंटेस्ट करती हैं, सभी के अंदर पूरी प्रतिभा है, पूरा स्किल सेट है, बट स्टिल तब भी कोई एक ही जीतता है. सांस भरी, पेट फूला. सांस छोड़ी, पेट अंदर किया. सांस भरी, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. सांस छोड़ी, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. सांस भरी, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. सांस छोड़ी, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. रेशियो मेंटेन करेंगे. ऐसा क्यों होता है सेम इंटेंसिटी की पिन आपको चुभती है, आपके फ्रेंड को चुभती है, बट उसको दर्द ज्यादा होता है या आपको दर्द ज्यादा होता है? एक इंजेक्शन, कोई उससे बहुत ज्यादा डरता है, कोई उससे इतना नहीं डरता है.
ऐसी क्या चीज है कि एक इंटेंसिटी का पेन किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है? सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। आपका शरीर तीन तत्वों से बना होता है, तो तीनों तत्व मिलकर आपको बनाते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आपको बनाती हैं, रज सत तम। तीनों ही गुण बहुत जरूरी होते हैं हर किसी के लिए, बट जिसमें रजस तत्व ज्यादा होता है उसको दर्द ज्यादा होता है। सभी की बॉडी अलग-अलग है, ये तीन चीज है जो आप सभी को बनाती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, पर तीनों गुण हर किसी में होते हैं। ये इंसान में होते हैं, खाने में होते हैं, आपके आसपास के वातावरण में होते हैं, हर चीज में ये तीनों गुण मिलते हैं। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंखों से चेक कर लेंगे अपनी कमर, गर्दन को सीधी है? मन ही मन रेशियो का काउंट मेंटेन करते हुए 1:1 की रेशियो, 6 काउंट पे इनहेल किया तो 6 काउंट पर एक्सहेल भी करेंगे। अगर आपकी ब्रीथ छोटी है तो 5 काउंट, 3 काउंट। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंखों के साथ कमर गर्दन सीधी, आज 12th day कैंप का धीरे से अपने राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में नीचे रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 5 मिनट की ओमकार चैंटिंग। बंद आंखों के साथ लंबी गहरी सांस ली, ओम।
धीरे से बंद आंखों के साथ जमीन पर लेट जाएंगे। सभी लोग बंद आंखों के साथ जमीन पर लेट जाएंगे। आंखें बंद, एड़ियों में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेलियां आकाश की ओर, हाइस के अगल बगल में हथेली, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर की। भूलेंगे नहीं, वर्बल चैंट से ज्यादा स्ट्रांग होती है मेंटल चैंट। अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर लेके आते हुए धीरे से अपने पैरों में अपना ध्यान लेकर जाते हुए अपने पंजों से लेकर अपने पैर को थाई जॉइंट तक बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। और मन ही मन अकार चैंट बिना मुंह खोले, बिना आंख खोले लंबी गहरी सांस, आकार की वाइब्रेशन अपने पैरों में फील करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने आप को।
सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया, टोटल रिलैक्सेशन ऑफ लेग्स, आकार की वाइब्रेशन अपने पैरों में फील करते हुए। धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने ट्रंक पर लेकर आएंगे, अपने धड़ वाले भाग में। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। जैसे पानी बिल्कुल स्थिर होता है जब, तभी हम नीचे तक देख पाते हैं। अगर पानी में हलचल रहेगी तो हम नीचे तक नहीं देख पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में आगे तक आप तभी देख पाएंगे जब आपका मन स्थिर होगा। हलचल के साथ, परेशानी के साथ, स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ ना तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे ना अपने आप को देख पाएंगे। तो अपनी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्थिरता, रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अपने धड़ को रिलैक्स करने के लिए पुकार चैंटिंग करेंगे। पुकार हेतु लंबी गहरी सांस, पुकार की चैंटिंग अपने धड़ में फील करते हुए। जितने ज्यादा रिलैक्स उतनी अच्छी और क्लियर फीलिंग। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने नेक वाले रीजन से लेकर आएंगे अपने हेड वाले रीजन में। अपने हेड को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, टोटल रिलैक्स। और रिलैक्स करने के बाद मकार हेतु लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस भरी, मकार की वाइब्रेशन फील करते हुए और धीरे से अपनी अवेयरनेस को अब शरीर से धीरे धीरे बाहर लाते हुए आसपास का शोर, कोतूहल को सुनने की कोशिश करेंगे और धीरे से अपनी अवेयरनेस को बॉडी से बाहर लेफ्ट करवट लेके बैठ जाएंगे। सभी लोग हाथों को नमस्ते किया और अच्छे से घर्षण हथेलियों में, जब लगा कि हथेली गर्म हो गई है और हथेली को आंखों पर लगा लिया और आंखों को, पलकों को झपकते हुए खोल लिया। क्लास में बच्चे बहुत सिंसियर हैं। कुछ बच्चों को लेके मैं बहुत सीरियसली कन्विंस्ड हूं कि जिनके अंदर मैं बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने वाली हूं। टोटली 100% नहीं कहूंगी, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो मैं पूरे कन्विक्शन के साथ में, बिकॉज जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस रही है, मैं देखती हूँ आपको, ऑब्जर्व करती हूँ एवरी मोमेंट। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो आई एम रियली रियली कॉन्फिडेंट कुछ बच्चों के इन चार पैरामीटर्स में, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, मेमोरी, एंजाइटी, चारों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखूंगी मैं।
तो चलिए आज के लिए सबसे पहले अपना माइक को ऑन करिए, किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, कुछ पूछना है। 5 मिनट का नहीं, 3.5 मिनट का टाइम है हमारे पास। मैम, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पेट फूलना और छोड़ते वक्त अंदर जाना, ये नहीं हो पाता, उल्टा होता है। उल्टा होता है। सी, यहीं पे अपने आप को करेक्ट करना है, क्योंकि होता है मैक्सिमम आप लोगों के पब्लिक में जब आप जाओगे किसी के बीच में, आप पूछोगे तो सबका ऐसा उल्टा ही चलता है। तो इंटेंशन से वो होता है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। दिस इज द ओनली की फॉर दैट, कि करो 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 करो, इंटेंशन से करो। इसीलिए मैं बार बार बीच में अगर आपको कुछ गाइड कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, वो छोड़ के सबसे पहले ब्रीथ पे बताती हूँ कि सांस भरी, पेट फुलाया, सो दैट कि इंटेंशनली कभी अननोइंगली गलत भी हो रहा है ना, तो सुन के उसको करेक्ट कर लो कि इंटेंशन से पेट को फुला लो और इंटेंशन से पेट को अंदर करो। जितनी इंटेंशन डालोगे धीरे धीरे क्या होगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट। वन फाइन डे इट विल बी इन योर नॉर्मल कोर्स, मतलब आपका नॉर्मल ब्रीदिंग विल बिकम लाइक दैट। अच्छा, काजल के साथ भी यही होता है। तो काजल, द ओनली थिंग इज करो 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 करो, जबरदस्ती। जब मैं बोलती हूँ, जैसे जब मैं नहीं बोल रही हूँ तो शायद ऑपोजिट होगा, बट द मोमेंट मैं बोलती हूँ तो कोशिश करिए कि उससे नेक्स्ट 3 या 4 ब्रीद आप इस तरीके से रखो कि आप पेट फूल ही रहे, इंटेंशन से, अपने आप नहीं, इंटेंशन से फूल रहा है। जैसे आप इंटेंशनल पेट फुलाते हो, कैसे फुलाते हो, इंटेंशन से पेट फुलाओ, फूल जाता है। इंटेंशन से अंदर करो, अंदर भी हो जाता है। जब आपको फोटो क्लिक करवानी होती है, क्या करते हैं, इंटेंशन से पेट अंदर, आप लोग नहीं बड़े लोग, इंटेंशन से पेट अंदर, तो वो इंटेंशन से पेट अंदर भी हो जाता है और बाहर भी हो जाता है। तो वैसे ही इंटेंशन के साथ पेट अंदर और बाहर करना है। अच्छा पाखी, पहले आंखें बहुत देर तक बंद। यस, आई हैव ऑब्जर्व दैट इन यू पाखी, आई रियली ऑब्जर्व की हाँ, अब वो टेन्योर जो है आंख बंद करने का वो इम्प्रूव हुआ है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, एवरी टाइम जब भी आप योग प्रैक्टिस करें तो यू डू इट अंडर गाइडेंस, क्योंकि कई बार हम यूट्यूब से देख के जब भी करते हैं या किसी ऐसे टीचर के साथ करते हैं जिसने अच्छे से नहीं सीखा है, तो द योग कैन मिसलीड ऑल्सो। होता है ना, अर्ध ज्ञान बहुत बुरा होता है, अर्थ का अनर्थ होते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आपकी रॉन्ग नॉलेज, यू आर इन टू बैकस्लिप। ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक अच्छे योग टीचर की गाइडेंस में अपना योग कर रहे हो। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करते टाइम कभी कभी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, क्वाइट पॉसिबल। किसी, हाँ, क्लास में एक और है स्टूडेंट जिनके साथ क्या होता है, उनके हाथ में कंपन होती है, हाथ में कंपन होती है और बॉडी पूरी शिवर करती है। कई बार ये ऐसा इसलिए भी होता है कि आपकी नर्व्स बहुत ही वीक होती हैं। हाँ, द मीटिंग इज गोइंग टू बी ओवर, अभी हो जाएगी ओवर। तो आपकी जो नर्व्स होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, उसके लिए क्या करना है, गुड डाइट एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की, फिजिकल एक्टिविटी। सभी बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली करना है। ओके, पहले लेग में पेन होता है, प्लॉथी, कहीं ये क्रॉस लेग भी करते हैं ना, तो उसमें भी आप क्रॉस लेग, पैरों को खोल के यू कैन वाइब्रेट, शेक इट, अगर क्योंकि बैठे रहते हैं बहुत देर तक, तो उसमें भी क्या होती है, हमारी नर्व्स बहुत देर तक आदत नहीं है नर्व्स को ऐसे रहने की। सो वॉट यू डू, स्प्रेड देम अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इन आउट, इन आउट, इन आउट, सो दैट द नर्व्स कैन रिलैक्स।